दोस्तों, आज हम सीखेंगे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट के वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटर द्वारा पैदा किए गए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर पारेषण करने हेतु किया जाता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसको जो है विद्युत केंद्र यानी कि जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर अल्टरनेटर से जो विद्युत निकलती है उस विद्युत को जो है हमें बढ़ा करके आगे भेजना होता है, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं। यह ट्रांसफार्मर जो है डेल्टा टाइप का होता है। अब नंबर दो आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज को घटाकर निम्न आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। शहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज का मान 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 30,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट और 66,000 वोल्ट या 11 केवी यानी कि 11,000 वोल्ट होता है। अतः इसे 400 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 22, 33, 66, 110, 132, 220 एवं 440 किलोवोल्ट विद्युत उपकेंद्रों पर आवश्यक निम्न वोल्टेज का आउटपुट तैयार करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः थ्री फेज डेल्टा स्टार प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे आपको एक तरीका से और समझाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा, तो आप बिना स्किप करिए पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, एक ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आपको कभी ये देखने को मिल जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसको जो है हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, इसको जो है हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, आप देख रहे होगे प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, टर्न्स जो है मोटे हैं, ठीक है, और कम है। और सेकेंडरी में देखिए आप, सेकेंडरी में क्या है, टर्न्स पतले हैं और ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरीके पहचानने का एक तरीका ये है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो टर्न्स जो होंगे कम होंगे प्राइमरी में, और सेकेंडरी में टर्न्स जो हैं ज़्यादा होंगे और पतली वायर के होंगे, और प्राइमरी में मोटे जो है वायर के होंगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है पहचानने का। और क्या है, जब स्टेप अप हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर देंगे, ठीक है, और 12 वोल्ट को ये बढ़ाएगा तो 220 वोल्टेज तक ये बढ़ाएगा, ठीक है। और क्या है, इसमें करंट जो है बढ़ाने पर करंट जो है कम हो जाती है, ठीक है। करंट जो होगी वो जब हम बढ़ाते हैं वोल्टेज को तो करंट हमारी क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, हम 220 वोल्टेज देंगे तब ये 212 वोल्ट को हमें देगा, यानी कि ये स्टेप कम करके दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है बढ़ जाएगी हमारी, यहाँ पर करंट जो है बढ़ेगी क्योंकि ये स्टेप क्या कर रहा है, डाउन कर दे रहा है। और इसमें क्या है, आप देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मोटी वाली वायर पड़ी है, मोटी वाली वायर के टर्न्स हैं, और प्राइमरी में क्या है, पतली वायर के टर्न्स हैं, जिससे कि वो 220 वोल्टेज को जो है झेल सके। तो क्या है कि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, मतलब इसकी पावर जो रहती है ना, पावर हमेशा सेम रहेगी। अगर 50 है तो 50 ही रहेगी, और इसकी भी पावर जो है 50 है तो 50 ही रहेगी, ठीक है। पावर कभी कम ज़्यादा नहीं होती, पावर जो है सेम रहती है, ठीक है। करंट क्या है, स्टेप डाउन करने पर करंट बढ़ जाती है और स्टेप अप करने पर करंट क्या है,
जो है कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यही फ़र्क होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जो है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे कि इसमें रेशियो कैसे निकाल